हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी विद अमित। आज अपन राजस्थान की जो बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। भले ही चार ही है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, एक एक करके देखते क्या है। ठीक है ना, शॉर्ट में बाई सीएम, ठीक है ना। देखो बी से क्या होगा, भाखड़ा नगर परियोजना, ठीक है, एक तो ये हो गई भाखड़ा नगर परियोजना, एक वाई से हो गया व्यास, सी से हो गया चंबल, और एम से हो गया ठीक है। तो ये चार मेन इंपोर्टेंट बहुउद्देश्य परियोजना है, पाखड़ नगर परियोजना है, ठीक है ना। ये दो बांध है अलग अलग, एक तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है और एक है पंजाब के अंदर, ठीक है ना। इन दो बांधों को, बांधों से, ठीक है ना, एक नहर निकाली गई है जो राजस्थान के अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर, एक तो गंगानगर है, गंगानगर और हनुमानगढ़। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि जो भाखड़ा नगर परियोजना है वो राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाता है, तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ है, ठीक है ना, इनके नाम ध्यान। और व्यास परियोजना है तो इनके कभी कभी बांध के नाम, इनके दो बांध है, आप शॉर्ट में पीपी से याद कर सकते हैं, पी पी, ठीक है, दो पी है, एक एक तो हो गया, एक तो हो गया पंडोह, पंडोह बांध, ये बांध है पंडोह बांध, एक है पौंग, ठीक है ना। कभी कभी ये पूछ लेता क्वेश्चन कि बांध के बारे में कि व्यास नदी पर कौन से दो बांध है, एक तो व्यास नदी पर, तो ये पंडोह बांध, एक पौंग बांध, ठीक है ना। चंबल जो परियोजना है सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है ना। ये राजस्थान के जो तीन जिले, एक तो कोटा हो गया, बारा और बूंदी, ठीक है ना, केबीसी नहीं है, केबीपी है, कोटा बूंदी और बारा, इन तीन जिलों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाता है। और इस पर मेन इम्पोर्टेंट चार जो बांध है ना, वो इम्पोर्टेंट, वो ध्यान रखना, ठीक है ना। ये नाम ध्यान रखना, राणा को जगह, देखो राणा से तो हो गया राणा प्रताप, राणा प्रताप ये चित्तौड़ में, राणा प्रताप सागर बांध जो है वो सर्वाधिक भंडारण क्षमता वाला है, जल भंडारण क्षमता वाला है सर्वाधिक, ठीक है ना, ये राणा प्रताप सागर चंबल पर। दूसरा था कोटा, को से हो गया कोटा, कोटा बैराज, कोटा बैराज कोटा के अंदर ही है, जल से हो गया जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध, ये दोनों कोटा के अंदर है। और घास हो गया गांधी सागर जो एमपी के अंदर है, ठीक है। और देखो माही परियोजना के अंदर, जो माही नदी है, माही नदी पर ये परियोजना स्टार्ट है, ये हालांकि एक तो राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है 45%, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, और गुजरात का है 55%। माही का कड़ा, देखो ये है ट्रिक इसकी, माही का कड़ा,
तो देखो माही से तो हो गया माही बांध, एक तो माही माही बजाज सागर बांध, एक तो माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, ठीक है। कहा से हो गया, कहा से हो गया कांजी पिकअप बांध, और देख कड़ा, कड़ा से हो गया कडाणा, कडाणा बांध, ठीक है ना। देखो ये माही बजाज सागर बांध और ये कांजी पिकअप बांध, ये दोनों कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर है और कडाणा बांध है गुजरात के अंदर, ठीक है ना। भाभड़ा नगर परियोजना ये देखो ये राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इन तीनों की ठीक है ना हिस्सेदारी है। इसमें राजस्थान की 15.2% हिस्सेदारी है और इधर भी ये तीनों है सेम, राजस्थान है, हरियाणा और पंजाब तीनों। और चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी जो है इस पर राजस्थान और एमपी, इनकी संयुक्त परियोजना है, दोनों का 50% है, बरोबर है, ठीक है ना, दोनों का 50% बरोबर है। और माही परियोजना जो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का जो हिस्सेदारी है 45% है और गुजरात की हिस्सेदारी है 62% है, ठीक है ना। तो ये बहुउद्देश्य परियोजना, इसमें से एक क्वेश्चन है कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर मिल जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ये भावनगर परियोजना जो है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ को पानी की सप्लाई देता है, ठीक है ना। एक तो ये दूसरा व्यास परियोजना के ऊपर दो बांध, एक तो पंडोह और एक दूसरा पौंग। चंबल परियोजना राणा को जगह, राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़ में कोटा बैराज, जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध। चंबल पर सबसे बड़ा बांध जो है वो गांधी सागर बांध है गुजरात एमपी के अंदर, ठीक है ना, एमपी के अंदर है, एमपी के अंदर। और माही, माही परियोजना जो है माही का कड़ा, माही का कड़ा ये जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों को सिंचाई के लिए पानी सप्लाई करता है, तो डूंगरपुर भी है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है ना, इन दोनों को पानी सप्लाई होता है सिंचाई के लिए, ठीक है। माही बजाज सागर बांध ये बांसवाड़ा के अंदर, और दूसरा कांजी पिकअप बांध ये भी बांसवाड़ा में, और कडाणा बांध जो है ये गुजरात के अंदर, ठीक है ना। तो ये वो उद्देश्य प्रयोजन। आपको ये ट्रिक कैसे लगी कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।